उन्होंने कहा कि हम पर ऊपर से जो है ना ऑर्डर है, तो हम सब मिल के रोड पे आ जाएंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। बाहर कंट्री के लोग, अंदर भी लॉकडाउन लगा, सरकार उनको खर्चा दे रही है, इंडियन गवर्नमेंट हमारे को खर्चा नहीं दे रही है, कहाँ से सर्वाइव करेगा, एक साल तो हो गया जब तुम्हारा जी आया, लॉकडाउन लगा दिया। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा शहर में आज जारी कोरोना नियम के अनुसार आज दुकानें जब बंद कराने के लिए पुलिस पहुंची तो पुलिस और दुकानदारों में जमकर हंगामा हुआ। मुंब्रा शहर के लोग दुकानें बंद करने को राजी नहीं थे, मगर पुलिस ने दुकानें बंद करवा दी। नए नियम अनुसार सोमवार रात 8 बजे से ही रात का कर्फ्यू रहेगा और दिन में धारा 144 लागू रहेंगे, दुकानें बंद रहेंगी, साथ ही मंदिर मस्जिद धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। मगर आज जब दुकानें बंद कराने के दौरान दुकानदार सड़कों पर उतर गए और धरना प्रदर्शन की बात करने लगे। दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन पर लॉकडाउन हो रहा है, आखिर रोजी रोटी कैसे चलेगी, कैसे वो अपने बच्चों को पालेंगे, उनका घर परिवार कैसे चलेगा। दुकानदारों में काफी लॉकडाउन की वजह से गुस्सा देखने को मिल रहा है, मगर वहीं नियम का पालन करने के लिए मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़ ने कहा है कि लोग शांति बनाए रखें और लोगों से नियम पालन करने की अपील की है। महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसके रोकथाम के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है, ये गाइडलाइन 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। दुकानदार जो सड़कों पर उतरे थे, उन लोगों ने क्या कुछ कहा है और मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़ ने लोगों से शांति बनाए रखने के लिए क्या अपील की है, सुनिए। संडे की गाइडलाइन थी वो फॉलो हमने किया बराबर, और अचानक आज मॉर्निंग में ऑफिसर आ गए, टीएमसी ऑफिसर लोग आके बंद करा रहे हैं। क्या हिसाब से बंद करा रहे, एकदम अचानक, कुछ आपको सर्कुलर नहीं, कुछ भी इतना नहीं कि भाई ऐसा बंद कराना है। हमने बात रखे, हमको रास्ता दिखा दिया गया, बोले हमारे पर ऊपर से ऑर्डर है, आप एक काम करिए, अपने नजदीक के जो कार्पोरेटर हैं, जो लोग हैं कार्पोरेटर या पोजिशन लीडर, उनके पास जाके आप लोग जाइए और बात करिए, हमको ये रास्ता दिखा के गए, वही अब हम लोग जा रहे हैं। अब सीएम एम गृह मंत्री लेके कैसा पहुँचे, कितना तक उन्होंने कहा? नहीं, रविवार को महाराष्ट्र जो है मंत्रियों की बैठक हुई थी, उसके बाद फैसला लिया गया था। सोमवार को 8 बजे से नया जीआर लागू होगा, इसके बारे में आप लोग कोई जानकारी दिया ना, कल पेपर में डिक्लेयर किया सैटरडे एंड संडे, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि नया जीआर नहीं है, फिर कैसे दुकान वही पुलिस ऑफिसर उन्होंने ये नहीं बताया कि नया कोई जीआर आया, ये नहीं बताया उन्होंने कहा कि हम पर ऊपर से जो है ना ऑर्डर है, बस उन्होंने जीआर के बारे में कुछ नहीं बताया, नया जीआर आया क्या, हम लोग दुकान आए खोले उसके बाद में आए बंद कराना शुरू कर दिए, अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो हम सब मिलके रोड पे आ जाएंगे और कोई ऑप्शन नहीं है, हम सब एक साथ जो है ना रोड पे आ जाएंगे, धरना दे देंगे और कुछ नहीं हमारे पास ऑप्शन। एक रमजान निकल गया, अभी ये रमजान आ गया, अभी दो पैसा ये था कि मिलेगा, तो ये टाइम पे भी मार्केट जो है ना पूरा बंद करा दिए, तो हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा है। अभी हम जाके पूरी तरह से बात करेंगे, अगर हमको कुछ वक्त देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम सब के सब, कोई लीडर नहीं रहेगा, कोई लीडरशिप नहीं रहेगी, हम जो है ना सब रोड पे बैठ जाएंगे, कहाँ से सर्वाइव करेगा, एक साल तो हो गया कि कितने लोग बेरोजगार हो गए, उनके घर का परिवार क्या करेगा, कोई लीडर ने पैसे ला के दिया, कोई लीडर ने कोई घर वालों को कुछ इमदाद किया, ये रिलीफ उन पैसे वालों ने किए जिनके घरों में राशन पहुँचा है, सरकार को शर्म आना चाहिए। एक मिनट, बाहर कंट्री के लोग, अंदर भी लॉकडाउन लगा, सरकार उनको खर्चा दे रही है, इंडियन गवर्नमेंट हमारे को खर्चा नहीं दे रही है, तो हमारे घर का परिवार कैसा चलेगा, जो छोटे छोटे कारोबार करते हैं, बड़े कारोबार करते हैं, उनका क्या होगा, जिनकी दुकान में 8 छोकरे 10 छोकरे काम करते, उनका घर का परिवार कैसा चलेगा, ये सरकार को सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब तुम्हारा दिन आया लॉकडाउन लगा दिया, कितनी बीमारी आई, ये कोरोना से बुरी बुरी बीमारी आई, उसमें लॉकडाउन नहीं लगा, ये बीमारी के अंदर लॉकडाउन लग गया, ये लॉकडाउन लॉकडाउन दिखाई के अंदर तुम चार्ज मार रहे हो, मास्क के अंदर पब्लिक को तुम मार रहे हो, और ऐसा मार रहे हो कि आदमी बिस्तर पे पड़ जा रहा है, ये तुमको आदेश दिया गया। कुछ लोग सर कहते हैं कि है ना महाराष्ट्र में सिर्फ कोरोना, बंगाल में इलेक्शन बहुत सारे, एक मिनट महाकुंभ का मेला चालू है, एक मिनट महाकुंभ चालू है, लेकिन एजुकेशन को बंद कर दिया, स्कूल बंद रखा है, तो ये क्या करना चाह रहे हैं? अभी मैं आपको मैडम एक बात बोल रहा हूँ, राजस्थान में लॉकडाउन नहीं है, गोवा में लॉकडाउन नहीं है, केरला में लॉकडाउन नहीं है, यानी इंडिया के इतने स्टेट में लॉकडाउन नहीं है, खाली महाराष्ट्र में लॉकडाउन है, तो सरकार क्या करना चाहती है, लेना चाहती है कि हटाना चाहती है?
सर जिस तरह से गाइडलाइन जारी हुई है सभी शहर की दुकानें जो है बंद कराई जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? यस, मुंब्रा वासियों को मेरी अपील है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 4 तारीख को जो सर्कुलर जारी किया है उसमें इसेंशियल जो शॉप्स है वो खुले रखने के आदेश दिए हुए हैं। उसमें हॉस्पिटल, मेडिकल शॉप्स, किराना दुकान, भाजीपाला, दुग्धालय, बेकरी और बाकी जो ग्रोसरी के जो प्रोडक्ट्स है वो बेचने के लिए वो खुले रखने को आदेश दिया हुआ है। बाकी कुछ चीजें जो कपड़े की दुकान है, हार्डवेयर की दुकान है, सलून, बाद में ब्यूटी पार्लर्स, ये सब बंद करने के आदेश दिए हुए कल रात से 8 बजे से, और वो बंद किए है। बाकी जो मेडिकल से, ग्रोसरी के दुकान, शॉप से, ये सब चालू रखने के लिए बोला है और वो उसकी परमिशन ऑलरेडी दे चुके हैं। इसमें सबसे होटल वालों के लिए एक बात है कि होटल खुला रख सकते हैं लेकिन अंदर उसको खिला नहीं सकते। वो सवेरे, आज सवेरे 7 बजे से शाम को 8 बजे तक वो पार्सल दे सकते हैं या वो पार्सल वहां आके लेके जा सकते हैं। सैटरडे और संडे को उनको पार्सल घर में पहुंचाना है होटल वालों को, तो वो रोड में जो ठेले वाले हैं उनको 8 बजे तक परमिशन है लेकिन वो वहां खिला नहीं सकते हैं, वो सिर्फ पार्सल दे सकते हैं। तो ये सब चीजें वो सर्कुलर में बिल्कुल क्लियर कट बताई गई है और उस हिसाब से आज हम लोगों ने उसके इम्प्लीमेंटेशन किया। सर ये कब तक का है? ये 30 अप्रैल तक किया हुआ है। सर जिस तरह से देखा जा रहा है आज जब पुलिस पहुंची तमाम दुकानें बंद कराने के लिए, उस समय जो है लोग सड़कों पर उतर गए, काफी नाराजगी देखी गई कि क्यों बंद कराया जा रहा है इसको, और धरना प्रदर्शन की भी बात सामने आ रही है कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे। लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ये ऑर्डर एक्चुअली क्या है करके। लोगों को ऐसा लगता है कि शाम को 8 बजे से सवेरे 7 बजे तक कर्फ्यू है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कल शाम को 8 बजे से गवर्नमेंट ने जो जारी किया है उसमें ये जो बाकी शॉप्स है वो बंद ही रहेंगे, मॉल्स उसमें बंद रहेंगे, शॉप्स कुछ शॉप जो है वो बंद रहेंगे, सिर्फ जो इसेंशियल कमोडिटीज के शॉप्स है, जो मेडिकल से, मेडिकल शॉप से, ग्रोसरी के शॉप से, फ्रूट्स के दुकान है, ये सब चालू रहेंगे। लोगों से क्या अपील करने में सर? लोगों मेरा ये अपील है कि कोरोना का जो पेशेंट्स बढ़ने की जो चिंता गवर्नमेंट ने भी ये किया है और हम लोग को भी यहाँ पेशेंट बनने की जो दिख रहा है, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसका पालन कीजिए। मेरे मुंब्रा वासियों को यही अपील है कि आप हमें सहकार्य कीजिए। ये 30 तारीख तक गवर्नमेंट ने लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन किया हुआ। ओके, थैंक यू।